हेलो नमस्कार भाई साहब। भाई नमस्ते साहब मैं सौ शर्मा बोल रही हूँ प्रीत बिहार दिल्ली से। जी। शुगर के लिए आपने जो इलाज बताया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 3 दिन से इंसुलिन छोड़ रखी है मैंने। बहुत बहुत बधाइयाँ, आप शेरनी बन गई इसके लिए। सर ये बधाई मेरे लिए नहीं आपके लिए है, और बधाई के साथ साथ धन्यवाद आपको। क्या क्या ले रही थी दीदी? जो आपने वो एक मैसेज में डाला था ना, वो ममता दीदी या कुछ करके नाम डाला था आपने। मोनिका मोनिका दीदी से। हाँ जी, तो जो जी सामान आपने बताया था उसमें वो सारा मैंने अरेंज कर लिया था, हाँ जी, और उसके बाद एक एक चम्मच में तीनों टाइम ले रही हूँ। बहुत बढ़िया। कितने पॉइंट इंसुलिन ले रही थी? मैं 12 से 18 12 से 18 ले रही थी। जी कितने दिन हो गए आपको लेते हुए? करीब मुझे भाई साहब 7.5 साल के आसपास हो गए हैं। कोई हाँ दिक्कत कोई तकलीफ इंसुलिन छोड़ने के बाद? थोड़ा सा मतलब पैरों में घुटनों में मुझे दर्द महसूस होने लगा है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी। और कोई तकलीफ? सूजन, स्वेलिंग, नहीं, घबराहट, बेचैनी, जलन? कहाँ कभी 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 पे? आंखों पे? घबराहट आंखों पे सूजन? से आंखों पे नहीं सूजन? नहीं जी, वो नहीं है। पैरों में जलन? कलबों में? नहीं, अब घबराहट है? हाँ जी दीदी घबराहट है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, जी इस चूरन को तो आप ले रहे हैं उसे लेते रहिएगा, जी साथ में बीच बीच में एक दो दो बार अजवाइन का पानी या सौंठ का पानी, या जब घबराहट हो तब उबाल के पी लिया कीजिए। अच्छा, मतलब जिस वक्त घबराहट हो, तो कई बार आदमी घबराहट हो रही तो दवाई तो चाहिए ना, हाँ, तो आप चौथाई चम्मच अजवाइन या चौथाई चम्मच सौंठ या चौथाई अच्छा चम्मच दालचीनी पाउडर या 2-3 छोटी इलायची, अच्छा इनको पानी में एक एक कप पानी में बढ़िया सा उबाल के उसको चाय की तरह पी लीजिए। अच्छा एक बार पीने से आराम ना मिले दोबारा पी लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और दीदी आप एक अगर आप कर सकते हैं मेहरबानी हमारे ऊपर तो एक काम कर दीजिए, जी आपकी आवाज दूसरे भाई बहनों के लिए प्रेरणा बने जी। तो आप एक ऑडियो बना के दे दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल शुगर पेशेंट हूँ और मेरी उम्र इतनी थी और मैं इतने सालों से इंसुलिन ले रही हूँ और बड़ी हिम्मत करके मैंने घरेलू के साथ जब इंसुलिन छोड़ी तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं भाई साहब। क्योंकि देखिए दीदी ऐसा हो ना, हो सकता है आपकी आवाज सुन के किसी और की हिम्मत आए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और मैं आप लोगों के साथ कोई तकलीफ होगी तो शायद मेरी जब आपसे पहली बार बात हुई होगी तो मैंने बोला होगा कि दीदी क्या क्या बोला था, कुछ तो ऐसा बोला होगा कि भाई दवाई तो आपके पास ही है, ज्यादा दिक्कत होगी तो क्या होगा दोबारा ले लेना। जी जी ये बात शायद मैं बोली बोली होगी, बोली थी आपने। हाँ लेकिन जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप शेरनी बन के इस चीज को अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसे मत बोलिए प्लीज। आप जैसी माँ बहने अगर शेरनी बनेंगी तभी तो बाकी दुनिया बनेगी। अब आपकी आवाज दूसरे को तो शेरनी बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर है। दूंगी मैं काम। अगर ये आप ऑडियो में, ये आप मान के चलिए कि मेरी 30 है। बिल्कुल मैं कर दूंगी। मतलब आपका आपकी आवाज जनता में जागरूकता फैलाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हर हर शेरनी सबको बनाना है, लेकिन मैं सबसे कहाँ बात कर पाऊंगा। ये बात तो है, लेकिन जब लेकिन आप उसमें फिर पूरी विधि बताइएगा, जैसे जिस तरीके से आपको मैंने बताया, ताकि सामने वाला सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी तब जाके कहीं मेरे से फोन करके बात करे। जी आप जैसे मान लीजिए आज आपको ये दिक्कत हुई, अब मान लीजिए आपकी आपकी बहन ने बोला कि दीदी मेरे को शुगर है, तो आप तो उसको बहन को तो बड़े प्यार से समझाओगी, बहन ऐसे करियो ऐसे करियो, रात का खाना बंद कर दियो, मतलब बिल्कुल यही बात होगी ना। बिल्कुल। और दूर दराज का कोई रिश्तेदार फोन करके पूछेगा तो उसको अच्छा ठीक है एक मोमिन भाई को फोन कर दियो उन्होंने बताया था। लेकिन अपनी बहन को बोलोगी कि ऐसे ऐसे कर ले, और ऐसे भैया से भैया का नंबर भी दे दूंगी, नहीं तू ऐसे कर तो सही जी। तो मैं चाहता हूँ कि बहन को समझाने वाला तरीका आपके पास हो। बिल्कुल मैं कर मतलब पूरी विधि के साथ, भले वो 2 मिनट लग जाए 3 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, और पहले भाषण देने में तो हमारा भारत ऐसे ही आ गया है। और जब जब भाषण में सच्चाई हो तो दिल से आवाज निकलती है।
आपने मेरे को बात करते हुए देखा होगा, जब मैं बात करता हूँ तो आपको लगता है कि भाई सच है, तभी तो मैं इतना जोर से बोल लेता हूँ। जी बिल्कुल। ना कभी फिक्र होती है कि हाँ सामने वाले को क्या बोल दिया, कभी उल्टा बोल देता हूँ सीधा बोल देता, मुझे कभी दुख नहीं होता क्योंकि मुझे पता है मैं सामने वाले की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा दीदी कि आपने मेरे को फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज, मैं चाहता हूँ ये आपकी आवाज आने वाले, मुझे कल से जिसको भी मेरे पास आएगा तो कम से कम आपकी आवाज भेजूंगा तो उसको हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं कर दूंगी भाई। बिल्कुल ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम।